तो ये देखो भाई, ये है वो ग्राउंड जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। तो यहाँ पर कुछ काम नहीं शुरू था, बस वो वाला मतलब मंडप बना हुआ था वहाँ पर। अभी भी मेरे ख्याल से ना वो मंडप रिमूव होगा, या तो फिर उसको ना थोड़ा सा ना और रिनोवेट करेंगे भाई, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि माता रानी वहीं स्थापित होती है। और फिर ना फेरी लेने का, और ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये पूरा ये ना मेरे ख्याल से छोटा होएगा भाई, ये मंडप निकलेगा, क्योंकि ना जिस टाइम गरबे में आते हैं ना भाई, तो काफ़ी बड़ी जगह होती है ये। तो यहाँ पर देखो माता रानी स्थापित होती है, कितना बड़ा स्टेज बना दिया। और यहाँ पर आते हैं भाई माननीय लोग, सिंगर लोग जो भजन कीर्तन गाते हैं वो लोग, और यहाँ पर काम शुरू है। और इस प्लेस में होता है भाई गरबा। मैंने तो यहाँ पर कभी गरबा नहीं देखा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता यहाँ के गरबे का। तो अजंता कंपाउंड में भाई आप लोग आना तो एक बार पूछ पाछ लेना किसी से कि भाई होगा या नहीं हो रहा है कि नहीं इस बार। अगर बाकी मुझे पता चला तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। MH04 टर्फ, ये देखो भाई, यहाँ पर जहाँ बच्चे अभी यहाँ पर ये फुटबॉल खेल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे मंडप बन चुका है। माता रानी यहाँ पर भी स्थापित होती है, और इस ग्राउंड में भाई होता है गरबा। इस ग्राउंड में भी भाई बड़ा गरबा होता है। बाम्बू आ चुके हैं, लाइट वगैरह लग जाएंगे। ये देखो भाई, ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ना, मेन गेट, ये यहीं पर होता है। मानसरोवर में भी गरबा भाई, बड़ा गरबा होता है, देखो वहाँ पर है। जस्ट मतलब मानसरोवर में जैसे आप एंटर करोगे ना, तो वो जो उस तरफ है ना, वो है शिव मंदिर। मानसरोवर में भाई, मानसरोवर के गेट से मात्र 1.5 मिनट या 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है भाई। तो यहाँ पर की वहाँ पर अगर हम वर्क देखें ना, तो कितना काम हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो भाई आज नवरात्रि का मैं फिर से दे रहा हूँ मंडप अपडेट, यानी कि अभी मैं लगभग 5 से 6 दिन पहले आया था अपडेट देने भिवंडी में, जहाँ जहाँ गरबा होता है वो प्लेस का। तो भाई उस टाइम पर कहीं पर कुछ ज़्यादा काम नहीं शुरू था, तो भाई आज भी मैं उसी दिन से, मतलब जिस सिक्वेंस से उस दिन मैंने किया था, जैसे जैसे जहाँ गया था वैसे सिक्वेंस से आज भी करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आ गया हूँ मैं अशोकनगर में, जहाँ पे होता है भाई पूरे भिवंडी का सबसे बड़ा गरबा, सबसे बड़ा गरबा मतलब सबसे बड़ा गरबा भाई भिवंडी में यही होता है। तो यहाँ पर ना भाई फाइनली डेकोरेशन काम शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो स्टेज आपको दिख रहा है ना, ये भी ये सब ना यहीं के लिए है। और ये देखो यहाँ पर ना, जिसको नहीं पता है भाई वो देख लो, यहाँ पर ना न्यू मंदिर बन रही है, एक नई मंदिर बन रही है। शायद मैंने पिछली बार बताया था, नहीं बताया था तो अभी बता देता हूँ भाई। मेरे पीछे जो है वो बन रही है भाई अशोकनगर में एक न्यू मंदिर, एक नई मंदिर बन रही है भाई शिव जी की, जिसका उद्घाटन समारोह है दशहरे वाले दिन। तो आइएगा आप ज़रूर। तो ये देखो भाई, ये है वो ग्राउंड जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। तो यहाँ पर कुछ काम नहीं शुरू था, बस वो वाला मतलब मंडप बना हुआ था वहाँ पर। अभी भी मेरे ख्याल से ना वो मंडप रिमूव होगा, या तो फिर उसको ना थोड़ा सा ना और रिनोवेट करेंगे भाई, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि माता रानी वहीं स्थापित होती है। और फिर ना फेरी लेने का, और ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये पूरा ये ना मेरे ख्याल से छोटा होएगा भाई, ये मंडप निकलेगा, क्योंकि ना जिस टाइम गरबे में आते हैं ना भाई, तो काफ़ी बड़ी जगह होती है ये। और देखो एंट्री के लिए ना इस बार इन्होंने देखो ये वाला यहाँ पर ना जो बाउंड्री था वो बाउंड्री तोड़ दिया है। तो यहाँ पर होता है मेन स्टेज, यहाँ पर होते हैं भाई सिंगर लोग, यहाँ पर होते हैं माननीय लोग, यहाँ पर होते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग आए रहते हैं वो लोग, पीछे बजाने वाले बजाने यानी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और ये जो इस तरफ का जो कॉर्नर दिख रहा है ना आपको भाई, वो कॉर्नर पे ना लगे रहता है भाई, मतलब बैठ के, जैसे हम किसी स्टेडियम में जाते हैं तो देखने का हमें बैठने को जगह मिलता है ना, वैसा ना उस तरफ ना उसे उस तरफ ऐसे ना पूरा लाइन से ऐसे ना लास्ट तक का ना जगह बना रहता है बैठने का, सिर्फ शायद इस तरफ, हाँ सिर्फ इस तरफ। बाकी ये पूरा जो स्पेस रहता है, ये पूरे स्पेस पे भाई गरबा होता है, और काफ़ी बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन होता है भाई, कपल्स का होता है, सोलो होता है, ग्रुप का होता है, 4 लोगों का होता है, 6 लोगों का होता है भाई, ग्रुप में आ गए ये लोग, हस्बैंड वाइफ का, ऐसा ना बहुत सारा होता है भाई कॉम्पिटिशन। तो अगर भिवंडी के बाहर देख रहे हो तो भाई आपको पार्टिसिपेट करना है तो भाई ये आ जाइएगा। और यहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी होता है भाई यहाँ ड्यूरिंग नवरात्रि, तो 3 फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रील कॉम्पिटिशन बाहर की चीज़ है, मतलब वो अलग टॉपिक है, गरबा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखो भाई यही है वो प्लेस जहाँ पर होता है सबसे बड़ा गरबा। तो यहाँ का अपडेट देख लो भाई, काम शुरू है, लोग काम कर रहे हैं अभी कुछ दिन में। आज कितनी तारीख है, 28 9 10 1 2, सिर्फ मात्र 4 दिन बचे हैं, 3 तारीख के दिन यहाँ पर गरबा होगा। तो उस दिन उस दिन अगर मैं रहा भिवंडी में तो आपको दिखाऊंगा कि मतलब कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया रहेगा। बाकी ये काम देख लो भाई कितना तेज़ी से हो रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। तो अभी चलते भाई, अभी यहाँ से ना दूसरा लोकेशन जैसा उस दिन गए थे कमला होटल कल्याण का, यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा भिवंडी में अशोकनगर का जैन मंदिर, अशोकनगर जैन मंदिर। और फिर से एक बार देख लो भाई, यहाँ पर नई मंदिर बन रही है अशोकनगर में, राम मंदिर नहीं शिव मंदिर है, भोले बाबा के मंदिर, मुख्य देवता इसमें ना भोले बाबा है।
तो भाई अभी चलते हैं कमला होटल की ओर, गणपतिप्पा मोरया। फिर आ गया मैं भिवंडी के दूसरे लोकेशन पे, जहाँ पर यहाँ पर भी बड़ा गरबा होता है, कमला होटल गोकुल गोकुल धाम सोसाइटी। यहाँ पर आप कमला होटल बोल के या फिर ये ग्रुप का नाम तो मैं भूल गया मंडल का, पर मैं आपको बताता हूँ ये लोकेशन आप देख लो भाई। कमला होटल के अंदर ना बड़ा गरबा यहीं पे होता है। कमला होटल में दो गरबा होता है, एक होता है जय अम्बे का और फिर ये दूसरा शायद यही जय अम्बे है, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये लोकेशन देख लो आप भाई, मतलब गोकुल धाम सोसाइटी अगर आप सर्च मारोगे ना भिवंडी में तो वो ना यहीं पर है भाई। यहाँ पर आओ, साहिल केसरवानी, साहिल केसरवानी किराना स्टोर करके भी है एक शॉप यहाँ पे। और ये लोकेशन देख लो, और आपको एक प्रॉपर एड्रेस बताओ क्या, धामन नाका साइड जाने लगो कल्याण नाके से ना सोहम हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ से अंदर आ जाओ और फिर आगे से जो पहला लेफ्ट आएगा ना भाई वो लेफ्ट मार लो तो सामने आपको ये मंडप दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखो माता रानी स्थापित होती है, कितना बड़ा स्टेज बना दिया। और यहाँ पर आते हैं भाई माननीय लोग, सिंगर लोग जो भजन कीर्तन गाते हैं वो लोग, और यहाँ पर काम शुरू है। और इस प्लेस में होता है भाई गरबा। मैंने तो यहाँ पर कभी गरबा नहीं देखा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता यहाँ के गरबे का, पर इतना है कि भाई जब इतना बड़ा कर रहे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन होते होंगे, तो आप एक दिन यहाँ पर भी आ सकते हो भिवंडी से हो तो। तो अभी चलता हूँ भाई यहाँ से मैं अपने थर्ड लोकेशन पर, अम्बे माता की जय। तो भाई अभी आ गया थर्ड लोकेशन यानी अजंता कंपाउंड में, और जो अजंता कंपाउंड में अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये लोकेशन देखो आप। बाकी ये जो मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ ना आपको ना, हर बार यहाँ पर होता था भाई भिवंडी का सबसे बड़ा दूसरा गरबा, पर इस बार भाई यहाँ इस ग्राउंड में नहीं हो रहा है, आप देख ही सकते हो भाई ग्राउंड को। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर एक अंकल थे भाई, उन्होंने बोला भी था कि यहाँ पर होने वाला नहीं है गरबा, आगे होगा। तो आगे बोले थे कि एक गली रहेगी भाई बड़ी सी, उसके अंदर होगा। तो भाई मुझे लगा था वो यही गली है, पर भाई अभी आज से नवरात्रि को 3 से 4 दिन बचा और ये गली में यहाँ पर भाई कुछ अपडेट नहीं है। और मैं अजंता कंपाउंड में ना काफ़ी अंदर तक गया था, मतलब थोड़ा अंदर, बट वहाँ पर उधर लेकिन इस बार नहीं हो रहा है, इस बार कहीं और होगा ऐसा उन्होंने बोला था। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि देखो इस बार यहाँ पर इस ग्राउंड में तो फिक्स है नहीं होगा, कहीं और होगा वो। तो वो कहाँ होगा अभी वो आइडिया नहीं है भाई। तो अजंता कंपाउंड में भाई आप लोग आना तो एक बार पूछ पाछ लेना किसी से कि भाई होगा या नहीं हो रहा है कि नहीं इस बार। अगर बाकी मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। चलते हैं यहाँ से भाई फोर्थ लोकेशन अंजुर फाटा। फिर आ गया मैं अंजुर फाटे पे M-04 टर्फ। ये देखो भाई यहाँ पर जहाँ बच्चे लोग अभी यहाँ पर ये फुटबॉल खेल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर मंडप बन चुका है। माता रानी यहाँ पर भी स्थापित होती है और इस ग्राउंड में भाई होता है गरबा। इस ग्राउंड में भी भाई बड़ा गरबा होता है। देखो बाम्बू आ चुके हैं, लाइट वगैरह लग जाएंगे भाई सब फटाफट, मतलब इट मीन के भाई कुछ ही दिन में, यानी मैं बाद में बताता हूँ आपको, यानी अभी वाला सुन लो कि भाई हाँ मतलब कुछ ही दिन में ना भाई यहाँ पर ना बन जाएगा स्टेज। ये देखो सामने ना टेबल वगैरह आ चुके हैं, छोटे मोटे स्टेज, और यहाँ पर भी ना बड़ा गरबा होता है भिवंडी का अंजुर फाटा। और देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने वैसा बताया था कि यहाँ पर ना सिर्फ जो मतलब यहाँ के लोग होते हैं ना, यानी ऐसा कुछ है भाई यहाँ पे बुक करते हैं लोग, तो सिर्फ ना वही लोग अलाव होते हैं भाई। आपको दिख रहा होगा ना तो इस टर्फ के पीछे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, बाम्बू बांध रहे। तो भाई ये ऐसे ना पूरा गोल ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, आइडिया नहीं मुझे यहाँ पर, बट आप यहाँ पे भी आ सकते हो देखने, हो सकता है खेलने का भी मौका मिल जाए, तो मिस मत करना भाई ये चार लोकेशन। अब चलता हुआ भिवंडी का जो पाँचवा लोकेशन है जहाँ पर बड़ा गरबा होता है मानसरोवर में, वहाँ पर चलता हूँ। अंधेरा होने के पहले पहुँच जाओ तो बप्पा की मेहरबानी, गणपति बप्पा मोरया। तो भाई अंधेरा होने के पहले फाइनली पहुंच गया मैं मानसरोवर में। ये देखो भाई ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ना, मेन गेट, ये यहीं पर होता है मानसरोवर में भी गरबा भाई, बड़ा गरबा होता है। देखो वहाँ पर है जस्ट, मतलब मानसरोवर में जैसे आप एंटर करोगे ना तो वो जो उस तरफ है ना वो है शिव मंदिर। मानसरोवर में भाई, मानसरोवर के गेट से मात्र 1.5 मिनट या 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है भाई। तो यहाँ पर की वहाँ पर अगर हम वर्क देखें ना तो कितना काम हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखो भाई ये जो पूरा ग्राउंड है ना यहाँ पर होता है भाई गरबा। देखो तो वहाँ ऊपर स्टेज बन रहा है, हो सकता है वहाँ पर जो माननीय लोग हैं वो लोग रहे वहाँ पर ऊपर, माता रानी का इस जगह शायद वहाँ पर रहे भी, आइडिया नहीं है भाई कुछ भी। अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बता रहा हूँ तो भाई जो यहाँ के हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना अगर देख रहा है भाई कोई यहाँ से तो। बट भाई ये जो प्लेस है भाई यहाँ पर भी होता है बड़ा गरबा मानसरोवर में। तो भाई ये थे भाई पाँच
मेन पंडाल। बाकी ऐसे देखा जाए तो भाई हर गली, हर सोसाइटी, हर बिल्डिंग बिल्डिंग में आप लोग भाई गरबा करते हैं अपना मंडप बनाकर। तो भाई अगर मैं बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाने जाऊँगा तो भिवंडी में बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ऐसा होता है, और जहाँ जहाँ मेन मेन बड़े बड़े होते हैं वो मैंने आपको दिखाया। इनमें से जो पहला अशोक नगर वाला था वो है भाई हमारे माजी आमदार श्री रुपेश मात्रे, रुपेश दादा मात्रे का, वो उनका दुर्गा पंडाल है, वो स्थापित करते हैं। वो पूरे भिवंडी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है भाई, वहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा गर्दी, और वहाँ पर आओगे ना आप तो आप बोलोगे सच में भाई क्या गरबा है। और फिर दूसरा और एक जो है वो क्या हुआ जान दे, अच्छा है सफाई अभियान चालू है। और भाई जो एक और है ना जो मैंने अभी आपको अजंता कंपाउंड दिखाया, वो भी भाई भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले जी का गरबा पंडाल। मैं तो भाई मिस कर बैठा पिछले साल, बाकी इस बार अगर कहीं होगा तो अच्छी बात है, अभी नहीं हो रहा है तो फिर जाने दो। बाकी इतना ही था भाई आज के वीडियो में, तो मिलता हूँ भाई कल एक और नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक लेटर डा, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।